जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक जिला विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र द्वारा पूरे वर्ष होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के निर्देश पर मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में जिला युवा कल्याण सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में नेहरू युवा केंद्र द्वारा संचालित खेलकूद प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रमों से संबंधित एक वर्ष के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसमें खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए 35 युवा मंडलों के गठन का निर्णय लिया गया है, जिससे युवाओं को खेल कूद में नया मुकाम मिल सके और वे देश और समाज में अपना योगदान दे सकें। बैठक में नेहरू युवा केंद्र के प्रभारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जुड़े रखने के लिए हमारे पास ट्रेनिंग ऑन यूथ लीडरशिप एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का ये दो पिछले वर्ष एक कार्यक्रम था, इस बार इस कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इस बात को उन्होंने कहा था कि युवा नेतृत्व जो कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्रों की तरफ से चलाया जा रहा है उसकी महत्ता व्यक्त कर सकते हैं। लिहाजा इस कार्यक्रम को इस बार दो कार्यक्रम दे दिया गया है, दो कार्यक्रम होंगे, एक चरगांवों में एक सहजनवा में हमने एक कार्यक्रम प्रस्तावित कर रखा है आवासीय प्रशिक्षण, जिसमें अच्छे रिसोर्स पर्सन हम विभिन्न डिग्री कॉलेजेस से या जो हमारे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या हमारे जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो अभियान चल रहा है जिसके माध्यम से हम लोग स्वच्छता अभियान को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, वहाँ से हम लोग रिसोर्स पर्सन ऑफ इसके आगे क्योंकि युवाओं का ये विभाग है, युवाओं के वेलफेयर से रिलेटेड काम करता है और युवाओं की खेलकूद गतिविधियों में उनके इकट्ठा होने का एक बड़ा बहाना खेलकूद है। लिहाजा कई बार से ये मंत्रालय विचार कर रहा था कि इन युवाओं को खेलकूद के सामान उपलब्ध कराया जाए, तो इस बार 35 युवा मंडल जिनकी कुछ भी हम इन्हें अपने 40 या फील्ड में डिप्लॉय 38 राष्ट्रीय स्वयं सेवकों की मदद से हम 35 युवा मंडलों की खोज करेंगे जिनकी खेलकूद की गतिविधियों में अच्छी रुचि है। दूर दराज के ग्रामीण ऐसे युवा जो कि प्रॉपर संसाधन के अभाव में उनकी खेलकूद की गतिविधियाँ उन्हीं गली मोहल्लों में दबी रह जाती हैं, ऐसे युवाओं में खेलकूद की गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए 4000 रुपये की एक किट जिसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड या इस तरीके के जो स्पोर्ट्स मटेरियल हैं लगभग 7 की संख्या में पिछली बार दिया गया था, इस बार वो 35 युवा मंडलों को हम ये किट प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके अलावा यूथ के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य हमारे ऑर्गेनाइजेशन को उनसे भी अपील करता हूँ कि आप अपने यहाँ से प्रस्ताव दे सकते हैं कि युवा मंडलों के माध्यम से जोड़ करके ऐसे बच्चे खेलकूद सामग्री 35 रुपये हम इनकी स्क्रीनिंग करेंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी है, जिन युवा मंडलों खेलकूद की सामग्री या खेलकूद की किट लेनी है वो लोग आमंत्रण करेंगे और साथ ही साथ वो दिखाएंगे कि विगत विशेष करके इस फाइनेंशियल ईयर में विगत फाइनेंशियल ईयर में उनके द्वारा कौन कौन सी खेलकूद की गतिविधियाँ करते जो है उनका खेल संभव नहीं हो पाया और इनको खेलकूद सामग्री उपलब्ध कराए जाने के बाद खेलकूद सामग्री देना ही बजाय से उसका उपयोग करके वो वहाँ पर एक प्रतियोगिता का एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न करें। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर 9 खेलकूद प्रतियोगिताएँ आते हैं और वहाँ के जो विजेता खिलाड़ी होंगे 6 जिनका जिक्र जो है इसमें गाइडलाइन में किया गया है, क्रिकेट नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लेकर के यूथ के बीच में डिमांड रहती है कि क्रिकेट जो है इसमें नहीं है और 6 प्रकार के जो खेल हैं उसमें वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो और दौड़े हैं। ज़्यादा लंबी दौड़ का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, वजह इसकी है कि हम उनको विशेष कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, लिहाजा उनको छोटी दौड़ में ही उनके प्रतिभा का आकलन करने की कोशिश करते हैं। अगला एक बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम है जिसमें जो यूथ क्लब है तो जो युवा मंडल हमारे कोर कार्यक्रमों, समन्वय कार्यक्रमों अथवा जो हमारे विशेष कार्यक्रम अभी हम चर्चा करेंगे कौन कौन से विशेष कार्यक्रम, एक इनिशिएटिव लेते हैं हम अपने क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को ले जाने में और उनको अप्लाई करने में। हमारी स्क्रीनिंग कमेटी जो होती है वो एक आदर्श युवा मंडल पुरस्कार के लिए एक टीम को चुनती है जिसके लिए 25,000 रुपये पुरस्कार की व्यवस्था। थीम बेस्ड अवेयरनेस एंड एजुकेशन कैंपेन प्रोग्राम रखा गया है, इसको उसमें 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक कार्यक्रम को 15,000 रखा गया है। इन चलता है इंसेफ्लाइटिस मेनिनजाइटिस के लिए सफल टीकाकरण अभियान चला, उस टीकाकरण अभियान को हमने थीम बेस्ड प्रोग्राम लेकर के उस पर 15,000 रुपये हम इन यूथ क्लब के माध्यम से हम व्यय कर सकते हैं, तो इसका बजट 15,000 रुपये का है। 7 ऐसे कार्यक्रम हमको जिले में इस फाइनेंशियल ईयर में कराए जाने के संबंध में दे दिया गया है, केंद्र ने किया है, जिसकी ये पहली बैठक है जिसमें हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो कोर कार्यक्रम हो, विशेष कार्यक्रम हो अथवा समन्वय कार्यक्रम हो जिनको लेकर के हम पूरे वर्ष पहले इन युवाओं के माध्यम से सरकार ने निर्धारित किया है और वर्ष में कभी 2 बैठकें हैं, एक बैठक फरवरी में